99 परसेंट लोग जो हैं उनको चाय बनाने का जो तरीका है वो गलत रहता है इस वजह से वो एसिडिटी का शिकार होते हैं साथ में कहीं ना कहीं ये जो चाय है ये हमारे को मोटापे को कम करने में भी हमारे लिए एक बाधा बन जाती है वो मैं अब आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें ये जो चाय है ये सही तरीके से बनाएंगे तो हम अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए मोटापे को कंट्रोल करने के लिए और एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें लाभदायक रहेगी चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि हम रेगुलरली यूज़ करते हैं लगभग नब्बे पचानबे परसेंट लोग जो हैं वो अपने घरों में चाय नॉर्मली बनाते भी हैं पीते भी हैं और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस बारे में नहीं है कि उसके इंग्रेडिएंट्स उसमें कोई कमी है या जो आप चीज़ें बना डालते हो चाय बनाते टाइम उसमें कोई गलत चीज़ डाल रहे हो या जिस बर्तन में चाय बनाते हो वो बर्तन गलत है लेकिन उसको बनाने की विधि जो है उसमें थोड़ी सी गलती होने की वजह से जो चाय है वो हमें नुकसान करने वाला एक पदार्थ बन जाती है बजाय के हमें कोई फ़ायदा करे या कम्फर्ट दे वो तो है ही नॉर्मली अपना चाय बनाने का तरीका क्या होता है कि हम एक गिलास पानी लेते हैं या एक बर्तन में पानी लेते हैं उसमें चाय पत्ती डाल के उसको उबालते हैं एक बार उबल जाने पे उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिलाते हैं चीनी मिला देते हैं और फिर दोबारा से उबाल के उसको पी लेते हैं या कई लोग क्या करते हैं कि जैसे पानी दूध और पत्ती और चीनी इकट्ठा मिला दिया और उसको दो तीन बार उबाल के पी लिया अब ये नॉर्मल सी बात है सभी चाय ऐसे पीते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब हम चाय को ज़्यादा देर तक उबालते हैं तो उसके अंदर एक टेनिन करके पदार्थ होते हैं जो कि रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जितनी देर तक आप चाय को बॉयल करते रहोगे उतने ज़्यादा उसमें टेनिन आएंगे अब प्रॉब्लम क्या है कि हम पहले जो थी जो इनिशियली हमें चाय जैसे पिलानी सिखाई थी अंग्रेजों ने आपको यहाँ पे मैं ये बताने बताना चाहूँगा कि चाय हमारे इंडिया में शुरू से नहीं हुआ करती थी ये अंग्रेज़ बाहर से लेके आए थे और इन्होंने ही हमें बताया कि भाई चाय इस प्रकार से पीते हैं वो चाय बनाने का तरीका जो था वो हम भूल के हमने क्या करना शुरू कर दिया कि चाय बनाने की एक अपनी विधि ईजाद कर ली और नाइन्टी इंडियन हाउस में आज भी उसी तरीके से चाय बनाई जाती है जो कि अपा ने अभी डिस्कस किया है तो बेसिकली इससे होता क्या है कि चाय में क्योंकि वो जब टेनेंस रिलीज होते हैं तो एक तो उससे उसमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें एसिडिटी जो करने की जो क्षमता है चाय की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको नलीफाई करने के लिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं दूध उसमें बहुत ज़्यादा मिलाते हैं चाय में चाय के अंदर और कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए हमें उसमें पत, मीठा ज़्यादा डालना पड़ता है कई गाँव में तो नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग उसको चाय में दूध दूध की ही दूध में ही पत्ती डालकर मीठा डालकर चाय पी लेते हैं उसमें पानी मिलाते ही नहीं है तो इससे नुकसान कहाँ पे होता है पहली बात तो ये है कि अगर कोई बंदा जो है वो वेट लॉस कर रहा है या उसको शुगर है तो उसको बिना पता लगे उसके अंदर आधा लीटर से ज़्यादा दूध उसके अंदर चला जाएगा अगर वो तीन चार बार भी दिन में चाय पीता है और साथ में उसके अंदर पाँच छः चम्मच चीनी के भी चले जाएंगे अब होता क्या है कि इतनी ज़्यादा एसिडिटी करने वाला जो पदार्थ लेंगे तो उसके साथ में कुछ ना कुछ खाना भी पड़ेगा ताकि वो हमारे अंदर तेजाब ना बढ़ाए नॉर्मली इसीलिए बोलते हैं कि भाई चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना भी चाहिए तो इसी चक्कर में क्या होता है कि फर्ज किया आपने चार कप चाय सारे दिन में पिया है उसमें अगर 100 एम आप मिल्क हर वर् चाय में यूज़ करते हो तो 400 सौ तो दूध चला गया आपकी बॉडी में आपको पता भी नहीं चला और चार से छः चम्मच चीनी के भी आपके शरीर में चले गए जो कि अदरवाइज़ अवॉइड कर सकते थे और सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम चाय के साथ जो एक्सेसरीज़ लेते हैं जैसे बिस्किट खाते हैं या नमकीन खाते हैं वो भी जितनी बार चाय लेंगे उतनी बार लेंगे उसका कारण क्या है कि हमें एसिडिटी से बचना है अब उससे बचने के लिए मैं आपको जो विधि बताने वाला हूँ उस तरीके से अगर हम चाय पियेंगे तो ना तो हमें दूध ज़्यादा डालना पड़ेगा ना चीनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी ना ही साथ में कुछ खाना पड़ेगा ना ही वो हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी करेगी अब हमने करना क्या है दोस्तों जो सही तरीका है चाय बनाने का वो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसमें एक कप पानी और तीन या चार चम्मच दूध के डाल लेंगे ये दूध क्यों डालना है इसका केवल केवल ये ही कारण है कि इसका जो रंग है चाय का वो वैसा हो जाए जैसे हम रूटीन में कई सालों से कई सदियों से पीते आ रहे हैं उसको अब हम उबलने देंगे और अपने स्वाद के अनुसार चीनी जो है उसमें डाल के उसको बॉइल कर लेंगे अगर आप इसके अंदर जैसे हम जिंजर डालते हैं यानी अदरक डालते हैं या इलायची डालते हैं वो हम जो है ड्यूरिंग जब हम चाय उबाल जब पानी उबाल रहे होते हैं और दूध उबाल रहे होते हैं उस दौरान हम अदरक या इलायची या कुछ भी ऐसा कोई पदार्थ अगर कई बार दालचीनी डालते हैं चाय में वो हम पहले उसको उबालते टाइम डाल सकते हैं उबलने के बाद जो गैस को हम बंद कर देंगे दूध और पानी का जो मिश्रण है उसको हमने एक बार जब बॉयल कर लिया उसके बाद हमने उसको किसी कप में डाल लिया। कप में डालने के बाद हम अपने स्वाद के अनुसार उसके अंदर पत्ती मिला देंगे और दो मिनट तक वेट करेंगे उसके बाद उस मिश्रण को हम एक दूसरे कप में उसको डाल देंगे अब अगर आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है तो चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो अब जो बनी हुई चाय है पत्ती उसमें से निकल चुकी है अब उसको हम क्या करेंगे अब या तो उसको आधे मिनट के लिए या एक मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे ताकि उसका दोबारा से बॉइलिंग हॉट हो जाए या फिर अगर हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है तो दोबारा से एक किसी आ, उसी बर्तन में जिसमें पहले चाय बनाई थी उसमें दोबारा से उसको डालकर एक बार उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लाके मतलब उबाली जब आ जाए तब हम उसको पी सकते हैं इससे क्या होगा कि जो पत्ती के अंदर जो ग, 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 गलत पदार्थ होते हैं जैसे कि टेनेंस मैंने बताया था वो जो है वो इसमें नहीं आएंगे तो इसकी कड़वाहट भी नहीं रहेगी और साथ में ये एसिडिटी भी नहीं करेगी तो इस प्रकार से अगर दोस्तों हम चाय पियेंगे तो हमें एसिडिटी नहीं करेगी हमें जलन नहीं करेगी और हमारा जो एरोमा है चाय का वो भी बना रहेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच